स्वागत है आप सभी लोगों का इलाद के आइस मॉल में। इससे पहले मैंने एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह मैं इलाद पहुंचा था और वहां पर सैंड स्ट्रॉम आ रखा था और अगले दिन भी यही सारा मंजर मुझे देखने को मिला जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस एपिसोड में आप मेरे साथ देखने वाले हैं इलाद का आइस मॉल और साथ ही जॉर्डन डेजर्ट। और इस तरह का मैंने सैंड स्ट्रॉम आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आने वाला है। तो आज हम आए हैं इलाद में, तो कल हम आए गए थे और इस वक्त मैं बैठा हूँ आइस मॉल में। इलाद में काफ़ी फेमस मॉल है ये आइस मॉल, ऐसा तो कुछ है नहीं, आइस है यहाँ पर। पीछे आइस स्केटिंग हो रही है और एडवेंचर क्या एक्टिविटी है कि पीछे आप देख रहे होंगे, इतने इंसान घूमते हैं, वो मैं नीचे शॉर्ट में डाल दूँगा देखना, एक मशीन टाइप में बैठ के। छोटे बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका नाम है कैनियन भी कहा जाता है यहाँ पे, सारे लोग मॉल को में भी कैनियन कहते होंगे। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा तूफान है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। बहुत ही तेज़ जो यहाँ की वेदर फॉरकास्ट है उसने भी बोला है कि घर में रहो या होटल में हो तो होटल में रहो, क्योंकि तेज़ हवाएं ज़्यादा चल रही है। सोचा तो था कि इजिप्ट का बॉर्डर देखेंगे और जाके बीच भी देखेंगे इलाद का, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से आंधी तूफान आ रहा है, तो इसलिए यहाँ आइस मॉल में आके बैठे हैं। तो पूरा घूमा है, सारे ब्रांड्स यहाँ पर है लेकिन भाई महंगा बहुत है। उसके बाद आके यहाँ पर ये जो पीछे है यहाँ से कॉफ़ी लिया है, तो सारे घर वाले थक गए, कॉफ़ी लिया। तो जो कॉफ़ी का जो प्राइस हमने लिया, तीन कॉफ़ी, एक जूस और पता नहीं एक चीज़ और लिया है, वो दीमा ने ऑर्डर करा। उसके बाद जो बिल आया है वो 63 शकील आया है, यानी ये 1200-1300 रुपये के आसपास की शायद हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, तो शायद यही होगा, 1200-1300 रुपये शकील होगा। 63 शकील जो मैंने शकील ख़रीदा मेरे को 2200 रुपये का पड़ा, एक शकील 2200 रुपये का। तो अभी तो यहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं, ये देखा है सारा पूरा मॉल, उसके बाद देखेंगे कहाँ जा रहा। दीमा खड़ा है यहाँ पर, आइस स्केट तो काफ़ी ठंडा भी लग रहा है भाई। फर्स्ट टाइम मैं अपनी बात करूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल पास से आइस स्केट आके देखा, फिल्मों में देखा भाई, क्योंकि मेरे को शौक ही नहीं है, आती भी नहीं है, क्या करूँगा गिर जाऊँगा। तो ये आइस स्केट हो रही है, आपको करनी हो तो आप भी आ सकते हो, कर सकते हो, नॉर्मल लोग भी यहाँ पे करते हैं। और देखो वो गिरा, तो बी केयरफुल भाई जब भी करो।
भाइयों, अंदर से मैंने मॉल तो घूम लिया था, लेकिन यार बाहर बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था और हमने होटल भी चेकआउट कर दिया था और हम रुके हुए थे पैतातिकवा में। तो वापस हमें इलाज से पैतातिकवा जाना था और बहुत ही लंबा रास्ता था, तो सोचा जल्दी निकल जाएं क्योंकि सैंडस्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा हो रखा था। सामने आप देख सकते हैं किस तरह से तेज़ हवाएं चल रही थी, और जब मैं रास्ते में निकला तो रास्ते का मंजर और भी ज़्यादा भयानक था। भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रखा है, मैं खुद हिल गया बहुत ज़्यादा, और पूरे बादल छा रखे हैं, और यहाँ से डेजर्ट भी पास है तो मिट्टी आके आँखों में लग रही है बहुत तेज़, और चीज़ें नीचे आके गिर रही है। अभी तो हम यहाँ के मॉल में बैठ रखे थे, कैनियन कहते हैं यहाँ पे मॉल को शायद, तो अब यहाँ से निकल गए घर की तरफ, देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि होटल तो चेकआउट कर ही दिया इलाज से। अब दोनों तरफ इसके डेजर्ट है, एक साइड जॉर्डन है और एक साइड इजिप्ट है। घूमना तो बहुत कुछ था लेकिन घूम नहीं पा रहे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। ये देखो, पेड़ देखो, अब मैं वो भी नहीं खोल सकता ना, शीशा खोलते नहीं तो अंदर हवा आएगी, कुछ उछोड़ के गिर रहा है। देखो ये देखो, पेड़ की हालत से ही पता लग रहा होगा, बादल पूरे छा रखे और वो सामने पूरी मट्टी उड़ रही है, और उसी साइड ही इजिप्ट है, और इसके अपोजिट यानी ये इजिप्ट और इसके अपोजिट जॉर्डन। देखना बहुत कुछ था, यहाँ के बीचेस देखने थे लेकिन नहीं देख पा रहे क्योंकि बीच पे भी हाई टाइड हो गया होगा, हवा बहुत तेज है। तो अब जा रहे हैं पैतातिकवा। तूफान आ गया है, सर्दियों में जैसे फॉग होती है वैसे इस वक्त जैसे दिखता नहीं है कुछ, ऐसी रेत ही रेत हो रखी है, विजिबिलिटी बहुत कम है। ऐसा तो भाई कभी देखा ही नहीं क्योंकि मैं रेगिस्तान अभी तक डेजर्ट विजिट नहीं करा, फर्स्ट टाइम ये फिल्मों में देखा था। हर जगह ये देखो, और ये देखो भाई पूरा डेजर्ट है, क्योंकि ये सामने ये जॉर्डन है और ये इजिप्ट है, तो इसलिए दोनों तरफ से रेत ही रेत उड़ी जा रही है। बहुत ही खतरनाक मौसम हो रखा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम, धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा और हवा बहुत तेज चल रही है। देखो वो पेड़ों से पता लग रहा होगा, तूफान आने का पहले संदेश दे दिया था, बहुत ही खतरनाक मौसम। तो यार बिल्कुल ही एक अजीब चीज़ हुई, आपने पीछे जैसा कि देखा बहुत ही ज़्यादा सैंड स्टॉर्म हो रखा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो बिल्कुल सारा का सारा ख़त्म हो चुका था, ना कोई रेत उड़ रही थी और ना ही कुछ ऐसा हमें ख़तरा महसूस हुआ। और लेकिन जो व्यू दिखा उसके बाद वो यार अल्टीमेट था। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ये जॉर्डन डेजर्ट है, ये इज़राइल से जब आप एलात से मेनली एलात से वापस जाएंगे आप पैतातिकवा मेन सिटी की तरफ या तेल अवीव की तरफ, तो आपको ये ब्यूटीफुल इज़राइल और जॉर्डन डेजर्ट दिखेगा। प्लीज़ मस्ट विज़िट है, अगर आप इज़राइल आएँ तो अपनी कार से ही पूरा इज़राइल घूमें, इसकी सुंदरता ही देखते ही बनती है। तो प्लीज़ मेरी तरफ से इसको थम्स अप है यार। और ये थोड़ा थोड़ा एक और अपने इंडिया की तारीफ़ कर देता हूँ, ये लग रहा था बिल्कुल हमारे लेह लद्दाख जैसा। तो अब आप लोग भी एन्जॉय कीजिए जॉर्डन का ब्यूटीफुल डेजर्ट।
तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा इसराइल की कैपिटल तेल अवीव और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तेल अवीव का समंदर और याफो शहर जो वाकई में बहुत ही अद्भुत था। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इसराइल की सीरीज़ ये पसंद आ रही होगी और अगर आपको मेरी पसंद आ रही है मेहनत तो प्लीज़ यार ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट फ्राइडे आप मेरे साथ देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तेल अवीव इसराइल की कैपिटल और वहाँ का समंदर। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ गाइस, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसको जियो जी भर के, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।